नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि द फ्यूचर यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी क्लास। लाभ और हानि में हम दो क्लासें पूरी कर चुके हैं। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी क्लास लेकर चलते हैं। उससे पहले जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट फॉर्मूला थे प्रॉफिट और लॉस, वो बताते हैं थोड़ा। प्रॉफिट में क्या था कि कब हो रहा था कि जब एसपी अधिक था सीपी, और लॉस कब हो रहा था जब सीपी अधिक था एसपी, ठीक है ना। और जब प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट हमारा निकलता कैसे है, एसपी माइनस सीपी, ये प्रॉफिट निकलता है। और अगर बात की जाए प्रतिशत लाभ की तो एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। अगर वहीं पर लॉस की बात की जाए तो लॉस क्या था, जब सीपी ज्यादा है तो सीपी में से क्या घटेगा, एसपी। और लॉस हो या प्रॉफिट हो, दोनों ही चीज किस पे ली जाती है, सीपी पर, यानी क्रय मूल्य पर। और अगर प्रतिशत लॉस की बात करें तो ये इनटू 100। ये हमारे दो फॉर्मूले थे जिस पे आधारित पूरा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की दो क्लास है। इन्हीं पर पूरा ही प्रॉफिट एंड लॉस चले। इन फार्मूला के आगे पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तो अगर आप पहला क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु के बाजारी मूल्य पर 50% और 40% की क्रमागत छूट देता है। 50% और 40% की क्रमागत छूट देता है। यदि दूसरी छूट की वैल्यू 180 रुपये हो तो अंकित मूल्य उसका पहली छूट और विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए, पहले आप देखते हैं छूट। छूट क्या है, छूट मतलब डिस्काउंट। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो भी डिस्काउंट है, छूट है, ये किस पर दी जाएगी, एमआरपी पर, मार्क रिटेल प्राइस, ठीक है। लेकिन यहां पर जो बात हो रही है वो बात हो रही है दो क्रमागत छूटों की। जैसा कि आप लोग मॉल वगैरह में जाते होंगे तो वहां पर देखते होंगे कि लिखा होता है 40% प्लस 30% की छूट, की भारी छूट, ये लिखा होता है ना, 40% प्लस 30% की भारी छूट। तो इसका मतलब क्या होता है वो समझिए पहले आप। तो मतलब इसका ये होता है कि जैसे किसी वस्तु का अगर एमआरपी 100 रुपये था, कितना था 100 रुपये, तो इस पर पहले कितने परसेंट की छूट दी जाएगी, 40% की। और जब इस पे 100 पे 40 की छूट दी गई तो ये वस्तु बची कितने की होगी, 60 की। 100 का 40% 40 होता है, तो बची कितने की, 60 की। अब इस 60 पर 30% की छूट दी जाएगी, तो 30% की छूट अगर 60 पर दें तो कितने की दे दी, 6 3 18, 2 0 से 2 0 कर दे। तो 60 में से अगर 18 घटाएं तो बचेगा कितना, 42। यानी कि 100 की छूट वस्तु हमारी बची कितने की, 42 रुपये की, 42 रुपये की बची। इसका मतलब आपको जो छूट मिली वो मिली कितने परसेंट की, 58%, यही तो मिली, ठीक है ना। देखो, 100 पे 40% की छूट दी, यानी 40 रुपये की छूट दे दी, बची कितने की, 60, ठीक। अगर 60 पे 30% की छूट दें तो 6 3 18, 10 ये दे दी 18 रुपये की छूट, तो 60 में से 18 की और छूट दे दी तो बची कितने की, 42 रुपये की। तो देखो, 100 रुपये की वस्तु 42 की बची, इसका मतलब जो छूट टोटल हुई वो 100 - 42 यानी 58% की, है ना। लेकिन वो क्या कह रहा था, ये कह रहा था ना 40% प्लस 30% की छूट, ये कहा था उसने। तो आप डायरेक्ट ये मन समझिए कि 40 + 30 70% हो गया, आनंद आ गया, 70% की छूट मिली, ठीक है ना। लेकिन आपको ये छूट मिली कितने परसेंट की, 58%, ठीक है। अब इसी पर आधारित जो हमारा क्वेश्चन है वो यही है, क्वेश्चन है कि इसमें भी हमें क्या दिया गया है, क्रमागत छूटें दी गई हैं, क्रमागत छूट दी गई है। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं, ये चीज आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन इसने क्या कहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु के बाजार मूल्य पर 50% और 40% की क्रमागत छूटें देता है। तो अगर हम इसका जो एमआरपी है उसको 100 रुपये मान लें, जो एमआरपी है इसको क्या मान लिया, 100 रुपये। अगर एमआरपी 100 रुपये मान लें तो देखो, जो पहला डिस्काउंट है
वो कितने परसेंट का है? 50% का, 50% का। अगर मैं 100 रुपए पर 50% का डिस्काउंट दूं तो ये 50% का डिस्काउंट होगा कितने रुपए का? 50 रुपए का होगा। 50% का डिस्काउंट कितने का होगा? 50 रुपए का। तो देखो वस्तु बची कितने की होगी? 50, ठीक है। और दूसरा डिस्काउंट हमें कितने रुपए का दिया है? 40% का। अगर मैं यहां से दूसरी जो छूट देता हूं वो अगर 40% की दूं तो ये छूट कितने की होगी? देखो 4 × 5 = 20 बट्टे 100 होगा, 100 दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा? 20। अब 50 में से 20 की और छूट दे दी तो बची कितने की? 30। ये क्या होगा उसका? SP, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन ने कहा है कि इसमें दूसरी छूट का मान, दूसरे छूट का मान 180 रुपए है। तो देखो आपकी यही तो है दूसरी छूट 20 रुपए, और इसका मान है कितना? 180 रुपए है। तो अगर 20 को 180 बनाए तो क्या गुना हुआ? 9 गुना हुआ। अब देखिए इसने पूछा है कि इसका MRP कितना होगा। तो ये जो हमें MRP निकालना है, तो ये हमने MRP मानना था, इसको क्या गुना करना है? 9 गुना। तो MRP हो जाएगा 900 रुपये, पहला आंसर, ठीक है। अगर इसी में हमसे पूछे कि पहली छूट कितने की होगी, तो भाई इसको भी क्या गुना कर दो? 9 गुना। सॉरी, ये हमारा एक छूट के बाद मूल्य है, ये है छूट, तो इसको भी क्या गुना कर दें? 9 गुना। तो इसको जो पहली छूट है वो कितने रुपए की हो गई? 450, ठीक। इसके बाद अगर हमें SP पूछे कि SP कितना है, तो ये SP भी क्या गुना हो जाएगा? 9 गुना। और 9 गुना जब करेंगे तो ये आंसर आएगा 270। ये हमें पूछा गया, MRP और SP पूछा था। तो MRP 900 रुपए और हमारी जो दूसरी छूट है वो कितनी आ गई? SP आया वो कितना आया? 270 रुपए, ठीक। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर जो मूल्य पर 30% और 40% की क्रमागत छूट देता है, 30% और 40% की दो क्रमागत क्या देता है? छूट देता है। डिस्काउंट कितना है? 30% और 40%। इसने कहा कि यदि दूसरी छूट का मान 56 रुपए हो, जो सेकंड डिस्काउंट है इसका मान कितना है? 56 रुपए। तो हमसे पूछा है कि इसका MRP क्या है, SP क्या है, और पहला डिस्काउंट कितने रुपए का, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। चलिए देखिए, जैसे क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर कि कोई दुकानदार अपनी वस्तु पर दो छूट देता है, पहली 30% की और दूसरी 40%, ठीक है। तो हमसे पूछा है, और चीज़ें हमें दी हैं कि दूसरी छूट की वैल्यू 56 रुपये है, तो MRP, SP और डिस्काउंट, ठीक। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं कि अगर हम जो MRP है इसको कितना मान लें? 100 रुपये, 100 रुपये मान लें। तो जो पहला डिस्काउंट है, फर्स्ट डिस्काउंट हमें कितने परसेंट का है? 30% का। अब देखिए इस पे आप 30% का डिस्काउंट दो, तो 100 का 30% होगा कितना? 30। अब 100 रुपये में से 30 का डिस्काउंट दे दिया तो बचा कितने का? 70 का बचा। अब देखो दूसरा डिस्काउंट इसने दिया है कितने परसेंट का? 40%, यही तो दिया है सेकंड डिस्काउंट, और ये फर्स्ट डिस्काउंट था। अब 40% का दिया तो ये 40% के होगा कितना? देखो 7 × 4 = 28, 28 रुपए होगा। ऐसे देख लिया करो, देखो 70 × 40 / 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 7 × 4 = 28, ठीक है। तो दूसरी छूट हमारी कितने आ गई? 58 रुपए। तो अब देखो 28 रुपए की दूसरी छूट, 100 की चीज 70 की बची, 70 पे एक और छूट दी, कितने की छूट चली गई? 28 रुपए की। तो 70 में से अगर 28 घटाएं तो बचेगा कितना? 42, यानी ये वस्तु का क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा, ये वस्तु का क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। 70 पैसे, 28 की छूट दे दी, 42 की बची। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो दूसरी छूट है इसकी वैल्यू 56 रुपए है, ये वैल्यू जो है वो कितनी है? 56 रुपए। अगर इस 28 को 56 बनाए तो क्या गुना हुआ? 2 गुना, 2 गुना हुआ। तो जितनी भी वैल्यू इसमें दी है वो हमारी कितने गुना हो जाएंगी? 2 गुना। जैसे देखो हमसे पहली पूछी MRP, तो
एमआरपी को क्या गुना कर दो, दो, यानी एमआरपी जो होगी वो कितनी होगी, 200 रुपए। ठीक है, हमसे पूछा पहली छूट, पहली छूट 30 रुपए की थी, इसको दो गुना करें तो कितनी आ जाएगी, 60। ठीक है, अगर एसपी को दो गुना करें तो कितना आ जाएगा, 84। ठीक है, समझ में आया, देखो समझ लीजिए थोड़ा सा, कुछ नहीं क्वेश्चन में, इसने कहा कि कोई वस्तु है उसको, मतलब एक दुकानदार ने क्या कहा कि 30% और 40% की दो क्रमागत छूट दूंगा मैं, और दो क्रमागत छूट में जो दूसरी छूट की वैल्यू है वो 56 रुपए है, तो आप ये बताओ इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ये पहली छूट क्या थी और इस पर एमआरपी क्या। देखो एमआरपी हमने 100 रुपए मान लिया, 100 रुपए पे पहली छूट 30% की दी, 30 रुपए की छूट दे दी, 70 की बची, 70 पे 40% की छूट दी यानी 28 की दे दी, बची कितने की, 42 की। अब जो दूसरी सीट 28 है, ये 28 ना होगी कितनी है, 56, यानी दो गुना, तो ये वैल्यू भी क्या गुना हो जाएगी, दो गुना, तो ये वस्तु कितने की बचेगी, 84 की। पहली छूट की बात करें तो दो गुना हो जाएगी, 60 रुपए, और एमआरपी की बात करें तो ये दो गुना हो जाएगा, 200 रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य को 50% विक्रय मूल्य के 60% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ की गणना। देखो ये कह रहा है कि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य यानी सीपी का 50% और एसपी के 60% के बराबर है, ये कहा है कि जो क्रय मूल्य का 50% है वो किसके बराबर है, एसपी के 60% के बराबर। तो हमसे पूछा है कि इसकी जो लाभ प्रतिशत है, प्रतिशत लाभ किस पर, सीपी पर, वैसे भी किस पर निकाला जाता है, सीपी पर ही निकाला जाता है। ठीक है ना, देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो आप सीधा सीधा समझो, ये कह रहा है कि सीपी का 50% यानी 50% ऑफ सीपी बराबर है 60% ऑफ एसपी, ये दिया है इसने, यानी किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 50% विक्रय मूल्य के 60% के बराबर है। देखिए इसको अगर सॉल्व करें, सॉल्व यहीं से करो, देखो इसको लिखेंगे 50/100 गुणा सीपी बराबर 60/100 गुणा एसपी, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं यहां से सीपी बट्टे एसपी निकालूं तो सीपी बट्टे एसपी कितना आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा। देखो सीपी उधर गया और एसपी इधर गया, ठीक है ना, सीपी इधर गया, एसपी इधर आएगा और ये 5 उधर पहुंचेगा, 6/5। अब देखिए यहां पर इसने क्या बोला था कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बोली थी, है ना, कुछ जो भी हो। तो यहां पर अब आप देखो ये सीपी कितना है, 6 रुपए, एसपी कितना है, 5 रुपए। तो यहां पर आप देख रहे होंगे जो सीपी है वो अधिक है किससे, एसपी से, सीपी अधिक है एसपी से, तो यहां पर क्या हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया, है ना। इसका मतलब ये प्रतिशत लाभ की जगह पर क्या होगा, प्रतिशत हानि हो जाएगी। अब देखना है कि हानि कितने रुपए की हुई, तो देखो यहां से हानि कितने की हुई है, लॉस 1 रुपए का हुआ है, ये देखो 1 का लॉस हुआ है, कितने पर, 6 पर, हमें चाहिए प्रतिशत में तो गुणा को, तो ये आ जाएगा 2/3 = 50, यानी 50/3 की वैल्यू होती है 16/2/3, यानी जो प्रतिशत हानि होगी वो होगी 16/2/3। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसने कहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 30% विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है, विक्रय मूल्य का 40% विक्रय मूल्य के 30% के बराबर है। तो देखो ये कहा है इसने सीपी का 40% और एसपी का 30%, ये दोनों कैसे हैं, बराबर है। तो हमसे पूछा है क्या प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि की गणना करनी है, तो देखो सॉल्व करते हैं इसे, ये कह रहा है सीपी का 40% बराबर है एसपी का 30%, ठीक है। तो देखो ये प्रतिशत से प्रतिशत हटा देते हैं, 0 से 0 हटा देते हैं, तो ये बना 4 सीपी बराबर 3 एसपी,
चार सीपी बराबर तीन एसपी। देखो इस एसपी को इधर लाएं तो बन जाएगा सीपी बट्टे एसपी बराबर तीन बट्टे चार। ये हो गया चार उधर पहुंच जाएगा तीन बट्टे चार। अब आप देखो यहाँ पे सीपी कितना है तीन रुपए, एसपी कितना है चार रुपए, यानी यहाँ पर जो एसपी है वो अधिक है किससे सीपी से। इसका मतलब क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट हुआ तो कितने का रुपए था आपका एक का, एक का प्रॉफिट हुआ। अगर हम प्रतिशत लाभ की बात करें तो देखो एक रुपए का लाभ हुआ कितने पर तीन, सीपी पर ही तो देखना है कितने पर लाभ हुआ तीन पर गुणा एक बट्टे तीन की वैल्यू आपको पता होगी वैसे भी तैतीस सही एक बट्टे तीन। ठीक है ना, क्वेश्चन कहा था कि सीपी का 40% एसपी के 30% के बराबर है, तो सीपी गुणा चालीस, सीपी का 40% बराबर एसपी का 30%। प्रतिशत से प्रतिशत हटा दिया जीरो से जीरो, चार गुणा एसपी बराबर तीन गुणा सॉरी चार गुणा सीपी बराबर तीन गुणा एसपी। ठीक है, इसको एसपी को इधर लाएं तो सीपी बट्टे एसपी इधर तीन बट्टे चार, यानी सीपी अगर तीन रुपए है तो एसपी कितना है चार रुपए। यहाँ पर एसपी अधिक है किससे सीपी से। जब एसपी अधिक होता है तो क्या हो जाता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट की बात करें तो एक रुपए का प्रॉफिट हो गया सीपी कितने पर तीन पर, एक बट्टे तीन गुणा सौ, और एक बट्टे तीन गुणा सौ की वैल्यू होती है तैतीस से ही एक बट्टे तीन परसेंट। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के दो बट्टे तीन भाग को 30% लाभ पर, एक बट्टे चार भाग को 10% लाभ पर, तथा एक बट्टे बारह भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचता है 12%। एक बट्टे बारह भाग को सॉरी ये कह रहा है कि एक बट्टे बारह भाग को 12% लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि अगर उसका जो कुल लाभ है, अगर उसका जो कुल लाभ है वो हमारा कितने रुपए है 141 रुपए। कुल लाभ हमारा कितना है 141 रुपए। तो हमसे पूछा है कि इस वस्तु का एमआरपी क्या होगा, यानी कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगा। कॉस्ट प्राइस और एमआरपी एक ही चीज मान ली जाएगी, सॉरी कॉस्ट प्राइस ही माना जाएगा। तो उसका जो कॉस्ट प्राइस पूछा है वो क्या है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है ना, चलो देखते हैं क्वेश्चन ये कह रहा है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए जिसमें आपको बटे में चीजें दी हो तो आप सीधा सीधा ये देखिए, ये तीन चीजें दी हैं हमें। ठीक है, हमें दिया है कि दो बट्टे तीन, एक बट्टे चार और एक बट्टे बारह, ये भाग दिए हैं। अब इसके लिए आप इनका एलसीएम, इनका लासा आएगा कितना 12 आएगा इनका लासा। देखो तीन चौक 12, चार दूनी 8 प्लस चार तीन 12 प्लस 12 एकन 12 एक बार गया एक, है ना, 8 और 3 11 और 1 12 12 आया 12 बट्टे 12 यानी एक रुपया पूरा आ गया भाग। यानी कि इसने कहा है कि जितना भी अमाउंट था, जितना भी सीपी था, उस पूरे भाग को इसने डिवाइड कर दिया है। ठीक है ना, ये भाग और ये भाग। ठीक, अब देखो अब अगर बात करें तो इसमें अगर हम बात करें तो देखो ये क्या है, ये एलसीएम था। अब हम ये मान लेते हैं कि जो भी चीज थी वो 1200 रुपए थी। 1200 रुपए की क्यों ली, देखो 12 तो ये है ही है, इसमें 100 क्यों लगा दिया उसका रीजन समझो। 100 इसलिए लगा दिया कि ये हमारी जो परसेंटेज में वैल्यू दी है तो सॉल्व करने में हमें बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है ना, यानी हमने जो सीपी माना वो कितना मान लिया 1200 रुपए। अब 1200 से देखें तो पहला भाग कितने पर गया, दो बट्टे तीन है पहला भाग, तो 1200 का अगर दो बट्टे तीन करूं तो कितना आएगा 800 रुपए। 1200 गुणा दो बट्टे तीन अगर करोगे तो तीन से ये चार बार कटेगा और चार दूनी 8। दूसरा भाग है एक बट्टे चार, तो 12 का एक बट्टे चार कितना होगा 300, चौथी 12। तीसरा भाग है एक बट्टे 12, एक बट्टे 12 कितना हो जाएगा 100। वैसे भी आप देख सकते हो 8 और 3 11 और 1 12, 1200 हो गया। अब देखिए इसने कहा है कि ये दो बट्टे जो भाग है ये 30% पर गया है, ये कितने लाभ पर गया है 10% लाभ पर गया है, और ये कितने लाभ पर गया है 12% लाभ पर गया है।
देखो अब आप आराम से देखो, देखो 8 3 24 240 रुपए हो गया, 8 3 24 हो गया, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ये वाला 0 और 240 रुपए ये हो गया। अब 300 का 10% कितना होगा, 30 होगा, और 100 का 12% कितना होगा, 12, ये आ गया। अब देखो टोटल लाभ कितना हुआ, यही तो हुआ टोटल लाभ, इसको जोड़ो 240 और 30, 270 और 12, 282 रुपए हुआ। लेकिन ये कह रहा है 282 का लाभ नहीं हुआ है, लाभ कितने का हुआ है, 141, लाभ कितने का हुआ है, 141 रुपए का। अब अगर हम इस 282 को 141 रुपए बनाएं तो कितना होगा, आधा होगा, ये देखो 2 का भाग लगा के देखो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, आधा है। इसका मतलब ये जो एमआरपी हमने मतलब सीपी हमने 1200 रुपए माना है, ये भी कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और 1200 का आधा कितना होगा, 600 रुपये, 1200 का आधा कितना हो जाएगा, 600, ठीक है ना, यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, जैसा स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें कहा है कि एक दुकानदार अपनी आधी वस्तुओं को कितने में, आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचता है और शेष आधी को 40% लाभ पर बेचता है। आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर और शेष आधी को 40% लाभ पर, इस प्रकार उसे कुल 90 रुपए का फायदा होता है। 90 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हमसे पूछा है कि आप हमें ये बताओ कि इस वस्तु का जो सीपी था वो कितना था, इस वस्तु का सीपी कितना था, ठीक है ना। देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, जैसा अभी कराया सेम, अगर हम इसका सीपी 100 रुपए मान लें, 100 रुपए मान लें, तो देखिए इसका आधा कितना होगा, 50, आधी वस्तुओं को दे रहा है ना 20% लाभ पर, तो आधा कितना होगा, 50। अब 50 का 20% निकालें तो 5 × 10, ये आ गया लाभ, ठीक है। और शेष आधी कितने परसेंट पे, 40%, तो 5 × 20 रुपए ये लाभ हो गया। तो टोटल लाभ हुआ कितना, देखो 10 रुपए ये लाभ और 20 रुपए ये लाभ, तो टोटल लाभ हो कितना गया, 30 रुपए। अब 30 ना दे के लाभ दे कितना रहा है, 90, कितना गुना है, 3 गुना। इसका मतलब ये जो सीपी है ये भी क्या गुना हो जाएगा, 3 गुना, यानी उस वस्तु का जो क्रयमूल्य होगा वो कितने रुपए होगा, 300 रुपये, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु, एक व्यक्ति के पास 100 वस्तुएं हैं, इनमें से वह आधी 20% लाभ पर बेचता है और शेष आधी 40% लाभ पर बेचता है। आधी 20% लाभ पर बेचता है तथा शेष 40% लाभ पर बेचता है। यदि उसने ये सभी वस्तुएं 25% लाभ पर बेची होती, ये सभी वस्तुएं कितने पर बेची होती, 25% लाभ पर बेची होती, तो उसे 100 रुपए कम प्राप्त होता, तो उसे 100 रुपए कम प्राप्त होता। तो प्रत्येक वस्तु का मूल्य क्या है, वो कितनी वस्तुएं हैं, 100। देखिए क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास कुल कितनी वस्तुएं हैं, 100। उसने क्या किया कि आधी वस्तुएं 20% लाभ पर बेच दी और जो शेष आधी बची उनको 40% लाभ पर बेच दिया। उसके बाद में जो उसको लाभ हुआ उस पर उसने एक अंदाज लगाया कि अगर मैं इन सभी को मिलाकर सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेच देता तो मुझे कितने रुपए कम मिलता, 100 रुपए। तो हमें पूछा है कि प्रत्येक वस्तु का मूल्य क्या है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखो देखते हैं क्वेश्चन, ये कह रहा है 100 वस्तुएं थी तो आधी कितनी हो जाएंगी, 50 वस्तुएं, आधी कितनी हो जाएंगी, 50 वस्तुएं, ठीक है। अब ये देखो ये 50 वस्तुएं 20% लाभ पर बेची, इसका मतलब कितने रुपए का लाभ हुआ, 10 रुपए का। ये वाली वस्तुएं कितने पर बेची, 40% लाभ पर, इसका मतलब कितने का लाभ हुआ, 20 रुपए, है ना। और टोटल जो लाभ हुआ वो कितने रुपए का होगा, 30। पहली कंडीशन ये बनी हमारी कि टोटल लाभ हुआ वो कितने का हुआ, 30 रुपए का, ठीक है। अब देखिए आगे समझिए, ये कह रहा है कि अगर ये सभी वस्तुएं 25% लाभ पर बेची होती, कितने पर, 25% लाभ पर, तो 100 का अगर 25% निकालूं तो कितने रुपए की लाभ हुआ होता, 25 रुपए का लाभ हो रहा होता। अब देखिए इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है,
5 रुपए, अंतर कितना है 5 रुपए। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इसको जो प्राप्त हुए वो 100 रुपए कम प्राप्त हुए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने रुपए कम प्राप्त हो रहा है, 30 का तो जा रहा था इसके आधार पे, और 25% से 25 का जा रहा था, तो 5 रुपए कम प्राप्त हुए। इस 5 को कितना बनाते हैं 100 रुपए, इसका मतलब कितने गुना, 20 गुना। तो ये जो 20 वस्तु 100 वस्तुएं हैं इनका मूल्य कितना आ जाएगा, 2000 रुपए। 100 वस्तुओं का मूल्य कितना आ गया, 2000 रुपए। हमसे पूछा है प्रत्येक वस्तु का मूल्य क्या होगा, प्रत्येक वस्तु का मूल्य। तो देखिए 2000 रुपए में कितनी वस्तुएं हैं, 100 वस्तु, तो 2000 में और 100 का क्या लगा दें भाग, तो आंसर आ जाएगा 20 रुपए प्रति वस्तु, यानी जो एक वस्तु की कीमत होगी वो कितनी होगी, 20 रुपए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि खिलौने के मूल्य में 20% बढ़ा दिया जाए, खिलौने के दाम को 20% बढ़ा दिया जाए तो बिक्री में 15% की कमी आ जाती है। देखो मूल्य कितना बढ़ाया है, 20%, और जो बिक्री है वो कितनी कम हो गई, 15, ठीक है ना, 15% कम हो गई। तो हमसे पूछा है कि उसके कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कुल रुपए पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। अब आप देखो ये कह रहा है कि मूल्य 20% बढ़ाया, 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है कितना, 1/5, ये होता है। यानी अगर हम देखें तो मूल्य की अगर बात करें तो पहले मूल्य अगर 5 रुपए था तो बढ़ के कितना हो गया, 6 रुपए, मूल्य ये बढ़ गया होगा ना, पहले अगर मूल्य 5 रुपए था तो बढ़ के कितना हो गया, 6 रुपए। अगर बिक्री की बात करें तो बिक्री देखो 15% है, 15% का मतलब 15/100, इसका मतलब 3/20, 5 से काट दो, 5 की 15 और 20 3/20, इसका मतलब अगर पहले बिक्री 20 रुपए की थी तो बिक्री क्या हो गई है, कम हो गई है ना, कितनी कम हो गई, 3, तो अब बिक्री कितने की होने लगी, 17 रुपए, ठीक है। पहले बिक्री 20 रुपए की थी तो अब बिक्री कितने की हो गई, 17 रुपए की। अब देखो अगर हम टोटल आमदनी देखें, आमदनी देखें तो मूल्य गुणा बिक्री कर दे आमदनी आ जाएगी। अरे जैसे मान लीजिए अगर आप 10 रुपए की कोई चीज बेचते हैं और आपने 10 चीजें बेच दी, तो कुल आमदनी के लिए क्या करोगे, जितनी एक वस्तु का मूल्य था उतनी और जितनी वस्तुएं बिकी उतनी, उन दोनों का गुणा कर दिया। तो यहाँ पर एक वस्तु का मूल्य 5 रुपए है और बिक्री कितनी भी हुई, 20 की, तो पहले कितने रुपए कमा रहा होगा, 100 रुपए टोटल, टोटल आमदनी 100 रुपए हो रही होगी आज की रेट में, 17 छक्के 102, 102 रुपए कमा रहा है। तो देखिए कितने का बढ़ गया, 2 का, कितने पर, 100 पर, तो आंसर आ जाएगा 2%, यानी उसकी जो बिक्री में परिवर्तन हुआ वो कितने का हो गया, 2% का। अब आप 2/100 × 100 करोगे, 100 से 100 कट जाएगा, वैसे ही सीधा सीधा 100 पे 2 रुपए बढ़ रहे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2%, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने किसी वस्तु के 2/3 भाग को 5% लाभ पर बेच दिया तथा शेष को 2% हानि पर बेच दिया। ये लाभ पर बेचा 5% और शेष को क्या कर दिया, 2% हानि पर बेच दिया। दुकानदार ने इस प्रकार कुल 400 रुपए का लाभ प्राप्त किया, 400 रुपए का क्या प्राप्त किया, लाभ। तो हमें बताना है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। देखो ये 2/3 है, अगर हम ये 3 माने तो देखो अगर टोटल 3 मान लें तो 1/2 भाग हो गया और ये बचा कितना, 1 भाग, ठीक है ना, 1 भाग बोलते। अब देखिए परसेंटेज में वैल्यू है थोड़ा दिक्कत होगी, तो हम इसको 300 कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 200, ये कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। अब देखो इसको कितने पे बेचा है, 5% प्रॉफिट पे, तो 200 का 5% कितना होगा, 10 रुपए, और इसका 2% हानि कितनी होगी, 2 रुपए, है ना। इसका मतलब ओवरऑल उसे कितने रुपए का फायदा हो गया, 8 रुपए का, 8 रुपए का प्रॉफिट हो गया, कि 10 का फायदा उठाया, 2 की हानि हो गई, 8 रुपए का टोटल प्रॉफिट हो गया। अब ये 8 ना होके कितना दे रहा है, 400 रुपए, यानी क्या गुना, 8 × 40 और 1 0 50 गुना,
तो ये जो मूल्य है ये भी क्या गुना हो जाएगा, 50 गुना, यानी 5 15 हजार। ठीक है, हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 15,000 रुपए। 2/3 में आपको 5% पर, शेष को 2% आने पर। 300 मान लिया, 200 और 100, 200 का 5% 10, 100 का 2% 2, तो टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो 8 का, 8 ना हो गया 400 है, यानी 50 गुना, तो ये मूल्य भी क्या गुना हो जाएगा, 50। चलिए चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्वेश्चन आप ध्यान से करिए, अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।